रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। चौंकाने वाली खबर, पके राजनीतिक दलों ने भी माना कश्मीर भारत का ही है। बोले भूल जाओ कश्मीर को, पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि कश्मीर उसका है। आज कश्मीर के हालात देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। भारत हो या पाकिस्तान, सीमा के दोनों तरफ मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिहाज से कश्मीर ऐसा मुद्दा रहा है जिसे सभी सियासी पार्टियां भुनाना चाहती हैं। लिहाजा दोनों मुल्कों के सभी दलों के घोषणा पत्र में कश्मीर के मुद्दे को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है। ऐसे में एक चौंकाने वाली खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई है, जहां के बड़े राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में कश्मीर का मुद्दा लगभग गायब दिख रहा है। पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले आम चुनावों को लेकर जहां सियासी सरगर्मी चरम पर है, वहीं मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि पाकिस्तान के बड़े दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज यानी PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के चुनावी घोषणा पत्र पर नजर डाले तो कश्मीर का जिक्र ना मात्र ही हुआ है। कश्मीर को लेकर आक्रामक रुख रखने वाली पाकिस्तानी सेना द्वारा परोक्ष रूप से समर्थित पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी PTI के सोमवार को जारी 58 पन्नों के घोषणा पत्र में कश्मीर का जिक्र सिर्फ दो बार आया है। चार प्रमुख विदेशी मुद्दों में कश्मीर तीसरे नंबर पर है। इमरान खान की पार्टी के घोषणा पत्र में कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के प्रस्ताव के दायरे में सुलझाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही गई है। वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े दल पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की PMLN के घोषणा पत्र में चीन के साथ नजदीकी को प्राथमिकता के साथ पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। वहीं कश्मीर को विदेशी रिश्तों को सुधारने के लिहाज से 10 सूत्रीय एजेंडे में 9वां स्थान दिया गया है, जबकि घोषणा पत्र में कश्मीर, फिलिस्तीन व रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे कथित अत्याचार पर सहानुभूति जताई गई है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की PPP के घोषणा पत्र में भारत के साथ संबंध को मजबूत करने व बातचीत के दौर को जारी रखने की वकालत की गई है। 62 पन्नों के घोषणा पत्र में कश्मीर का मुद्दा 59वें पेज पर है। लिहाजा पाकिस्तान की इन तीनों बड़ी पार्टियों के घोषणा पत्र के अध्ययन से यह पता चलता है कि तीनों सियासी दल भारत से अच्छे रिश्ते चाहती हैं। कश्मीर मुद्दे को पीछे छोड़ते हुए भारत के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध स्थापित करनी चाहती है। अब सवाल ये है कि जब इमरान की PTI का नारा नया पाकिस्तान है, तो क्या इमरान खान के इस नए पाकिस्तान में कश्मीर नहीं है? नवाज की पार्टी PMLN का नारा है वोट को इज्जत दो, तो कश्मीर के लिए नवाज की इज्जत कहाँ है? PPP का नारा है बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है, तो कश्मीर पर कब्जे की बात करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी के घोषणा पत्र में कश्मीर के बजाय पाकिस्तान को बचाने पर जोर क्यों है? बहरहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान ने कश्मीर राग छोड़ दिया है, लेकिन इस महीने के अंत में होने वाले आम चुनावों में बड़े सियासी दलों के घोषणा पत्र से कश्मीर के मुद्दे का लगभग गायब होना इस बात की ओर इशारा जरूर करता है कि कश्मीर के नाम पर अब पाकिस्तान में वोट नहीं मिलने वाले हैं।